मोहम्मद शुएब अंजुम अंसारी पिता हजरत हुसैन अंसारी निवासी हिंदपीरी थाना हिंद पीरी रांची के रहने वाले हैं, जिनका जमीन पुश्तैनी जमीन है जो मौजा है हेहल थाना सुखदेव नगर वर्तमान पंडल रांची में स्थित है। उन्होंने कहा कि यह जमीन आर एस खतियान मेरे दादा शेख कुदरत अली पिता शेख छतू कौम के नाम से है। भूमाफिया कुछ भूमाफिया गलत पेपर बनाकर इस जमीन को बेच रहे हैं। मैंने इस संबंध में एसडीओ सीओ सुखदेव नगर थाना पंडरावती सिटी एसपी रूरल एसपी कोतवाली डीएसपी सभी जगह शिकायत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस जमीन का मामला का सिविल कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन फिर भी भूमाफिया लोग उस जमीन पर अपने मटेरियल गिराकर बाउंड्री वॉल रूम और जमीन की बिक्री कर रहे हैं। यह ताज्जुब की बात है। मैं शुएब अंसारी पिता हजरत हुसैन अंसारी और मेरे दादा की ज़मीन प्लॉट नंबर खाता नंबर 154 और 53 जो एहल मौजा में है, जिस पर दूसरे लोगों ने जो है जमीन माफियाओं ने जो है कब्जा कर रहा है। हम गुहार लगाते रहे लेकिन आज तक मेरी गुहार किसी ने नहीं सुना। थाना में बार बार हम गए, कभी भी ये लोग नहीं आए। हमने सीओ को दिया, सीओ भी मेरे हक में बात की, लेकिन फिर बाद में हम कर गए और अभी हम जो है गुहार लगा रहे हैं। एसपी के पास भी हम आए, थाना में हमने एक आवेदन भी दिया जिस पर हमको फिर नकार दिया गया। हमसे कहा गया कि कोई भी काम नहीं करेगा, चूँकि आप और हम चाहते हैं कि न्याय द्वारा हमारा सारा काम हो। अशोक कुमार सोनी है, राम कुमार सोनी है आपका, अशोक सॉरी ठाकुर है। ज़मीन पर माफियाओं ने जो है कब्जा कर रहा है। एक हैं पप्पू ठाकुर, पिता कृष्णा ठाकुर, निवासी हेहल मंडा टोली सुखदेव नगर, रंजीत तिरकी हैं और राम कुमार सोनी हैं। सिंह कुंदन सिंह हैं, अचल सिंह हैं असल में। तो इन लोगों ने जो है हम पर, और हम जब भी जाते हैं तो हमको वहाँ से डरा के भगा दिया जाता है। एक दो बार तो हमको जो है एक दो बार हम जाके रोकाए तो खैर रुक गया था, लेकिन बाद में हम गए तो हमको मारने की कोशिश करता है, तो हम जाना वहाँ बंद कर दिए। हम न्याय द्वारा चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। हम केस भी किए हुए हैं सिविल कोर्ट में, मेरा केस ऑलरेडी चल रहा है। हम एसपी के पास भी गए, डीएसपी के पास भी गए, उसने कहा कि न्याय के लोग भी जो है कुछ कागज़ दिखा रहा है जो मेरे ही कागज़ को कॉपी करके वो लोग जो है तो बोलता है कि हम जो है अंसारी हैं, हालांकि वो लोग जो है धुनिया हैं। उसमें इस्लाम साहब हैं, शकील साहब हैं। इस्लाम साहब तो इंतकाल कर गए, पहले इस्लाम ही के साथ मेरा बात चल रहा था, अब उसका लड़का भतीजा शकील है, निसार है, इकबाल वगैरह है, भी हिंदपीढ़ी में रहते हैं। ये लोग ला फैक्ट्री रोड में रहते हैं और हम अंसारी गली में रहते हैं मंटू चौक के करीब। चाहते हैं कि न्याय हमको मिले, हमारी ज़मीन जो है हिफाजत से हमको वापस ले लिया जाए। टी एक्ट में भी आते हैं, उनका हम सबूत भी रखे हुए हैं। और हम लोग जो है जनरल कास्ट में हैं, हम लोग अंसारी हैं और वो धुनिया है, मंसूरी है, और वो लोग जो है उस पर अति पिछड़ी जाति के लोग हैं और वो लोग रजिस्ट्री भी कर रहे हैं केस चलने के बावजूद भी। अब उस पर हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम सीधा साधा भाई कमज़ोर लोग हैं। कोर्ट में भी, सिविल कोर्ट में भी केस चल रहा है, उसके बाद भी ये लोग काम कर रहे हैं और कानून का उल्लंघन करते चले जा रहे हैं और हमारा जो है प्रशासन कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। ऐसे हमारे छोटे छोटे भाई हैं, हम उन लोगों को कहाँ तक लौड़ाते रहेंगे। मेरी बहनें हैं, सब बूढ़ी हैं, उनको हम ला भी नहीं सकते। मेरा इल्तजा है कि हम पर इंसाफ किया जाए, हमारी ज़मीन को बचाने में कानून मदद करे। हाँ जी, ये शुएब अंजुम अंसारी हैं, इनके दादा का ज़मीन है शेख कुदरत अली का, जिसमें कोर्ट में मामला हेयरिंग सुनवाई चल रहा है। बीच में सामने से अपोजिट पार्टी जो लोग है नजायज़ ढंग से कब्जा लेने के लिए रात में मेटल गिरा करके पोजीशन कर रहा है, थाना में के लिए नहीं किया गया। खाता हेहल मौजा में खाता नंबर 153 है, जिसमें 2 एकड़ 48 मिनट ज़मीन है, और खाता नंबर 154 का 1 एकड़ 17 मिनट ज़मीन पहले वो लोग बेच चुका है। वो लोग सी एन टी में आता है मंसूरी, वो सभी का प्रमाण है।
प्रमाण हम लोग पास में है, उन्होंने सेंटी में अति पिछड़ी जाति में आता है और कोर्ट में मामला चल रहा है, फिर भी थाना को तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा काम को रोकने के लिए। थाना प्रभारी का जवाब है कि आप जमीन के मैटर में हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, आप जाइए हमारे सीनियर एसपी एसएसपी से हमारा बात होता है, वहाँ जाके आप कंप्लेन दीजिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।